मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक समय था जब ऋषि सुनक ब्रिटेन में पीएम की रेस से बिल्कुल बाहर हो चुके थे, लेकिन सुनक ने अंत तक हार नहीं मानी और ये उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज वे यूके के प्रधानमंत्री बन ही गए। इसे किस्मत का खेल कहेंगे या मंजिल पाने का जुनून कि जिस देश ने भारत पर सैकड़ों सालों तक शासन किया आज उसी भारत का लाल उसी देश पर राज करेगा। वैसे तो ये एक सपना था, लेकिन इस सपने को ऋषि सुनक ने साकार कर दिया है। वो बार बार ब्रिटेन के पीएम की रेस से बाहर होते रहे, लेकिन ऋषि के जज्बे ने उन्हें हारने नहीं दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऋषि सुनक का एक फैसला कैसे भारत के लिए खतरा बन सकता है। ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री क्या बने, ब्रिटेन से ज्यादा जश्न भारत ने मना लिया, लेकिन ये जश्न भारत को एक बड़ा झटका दे सकता है। लेकिन अब ऋषि सुनक ने कैबिनेट में अब ऐसे एक मंत्री को जगह दे दी है जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में तल्खी आ सकती है, और ऐसा तब है जब वो मंत्री भी भारतीय मूल की है, जिससे प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्रालय की सबसे ताकतवर पोस्ट दे दी गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस्ट ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी, करीब 45 दिनों तक अपने पद पर रही। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल की सुएला बर्बरमैन को अपने कैबिनेट में जगह दी, उन्हें गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग सौंप दिया। तब ऋषि सुनक के हार के सदमे से उभर रहे भारतीयों को सुएला बर्बरमैन के तौर पर एक उम्मीद दिखी कि वे भारतीय मूल की असल में ब्रिटिश नागरिक हैं। सुएला बर्बरमैन के माता पिता भारत के ही रहने वाले हैं। पिता क्रिस्टोफर फर्नांडिस गोवा के मूल निवासी थे और माँ उमा तमिल हिंदू परिवार से थी। उनके माता पिता 60 के दशक में ब्रिटेन आए थे और फिर वहीं बस गए, और वहीं सुएला का जन्म भी हुआ। तो सुएला के इस भारत कनेक्शन से भारत को उम्मीद जगी कि लीज ट्रस्ट की कैबिनेट में सुएला के गृह मंत्री रहने से ब्रिटिश सरकार के फैसले भारत के हित में रहेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। लीज ट्रस्ट तो भारत के साथ बड़े व्यापारिक समझौते करने के पक्ष में थी, लेकिन सुएला बर्बरमैन ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो मुफ्त व्यापार है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी वजह से ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या बढ़ जाएगी और ये ब्रिटेन के हित में नहीं होगा। सुएला ने ये भी कहा कि अगर ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या बढ़ती है तो इस बर्गजीत के मकसद को नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, सुएला ने यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटेन में वीजा खत्म होने के बाद भी जो प्रवासी यहाँ रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीय प्रवासियों की है। यानी कि सुएला बर्बरमैन का बयान किसी भी तरह से भारत के हित में नहीं था। हालांकि वो कुछ बड़े फैसले कर पाती उससे पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि सुएला ने आधिकारिक ईमेल से कोई दस्तावेज किसी सांसद को भेजे हैं जो गोपनीयता का उल्लंघन है, और इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन माना यह जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार पर सुएला का जो रुख था उसकी वजह से लिज ट्रस्ट खुश नहीं थी और इसी वजह से सुएला को इस्तीफा देना पड़ा। खैर, जो भी वजह हो, सुएला के इस्तीफा के बाद लिज ट्रस्ट भी नहीं बच पाई और उन्हें भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब जब लिज ट्रस्ट की जगह ऋषि सुनक ने ले ली है तो उन्होंने सुएला बर्बरमैन को फिर से गृह मंत्री की कमान सौंप दी है, और इसकी वजह से भारत को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि सुएला के बयान किसी भी तरह से भारत के पक्ष में नहीं है। और अगर सुएला आने वाले दिनों में भी अपने बयान पर कायम रहती हैं, तो फिर उन भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी जो ब्रिटेन के साथ कारोबारी रिश्ते रखना चाहते हैं। तो सुएला पर नजर बनाए रखिए और नजर ऋषि सुनक पर भी बनाए रखिए कि अब आगे क्या फैसला करते हैं वे और उनके कौन से फैसले भारत के हित में हैं, क्योंकि सिर्फ भारतीय मूल का होने की वजह से ऋषि सुनक या सुएला बर्बरमैन भारत के हित में कोई फैसला करेंगे ऐसा तो कतई नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूवी इंडिया न्यूज।